Hello students, today we will start our English subject of 7th standard and in last lecture you had seen section 1 of chapter 1. Now we will start section 2 of chapter 1, okay? And the name of our first section is A Christmas Carol. Although Scrooge was a wealthy man, he was a miser. स्क्रूज क्या था? एक वेल्दी मैन. वेल्दी मीन्स बहुत अमीर था. और ही वॉज माइज़र मीन्स कंजूस भी बहुत था. हिज फेवरेट हॉबी वॉज काउंटिंग मनी, हिज ओन मनी. और उसकी फेवरेट हॉबी क्या थी? मनी को काउंट करना, खुद की मनी को. ही नेवर मैरिड बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ सपोर्टिंग अ वाइफ. उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसको ये आइडिया ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करूँ. और ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी टू हिम. और बच्चों को बड़ा करना वो क्या था? उसके लिए सिर्फ पैसों का वेस्ट करना था, वेस्ट ऑफ मनी. ही हैड नो फ्रेंड्स बिकॉज ही स्पेंड वेरी लिटल एंड दैट वेरी लिटल ही स्पेंड ऑन हिमसेल्फ. और वो क्या बोला? मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है और है वो उनके पे मैं बहुत कम खर्च करता हूँ और थोड़ा कम खर्च मैं अपने ऊपर भी करता हूँ. स्क्रूज वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, मीन्स वो बहुत मेहनतू था. क्रिसमस वॉज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड मोस्ट पीपल वर इन अ हैप्पी मूड एक्सेप्ट स्क्रूज. क्रिसमस आने वाला ही था, सब लोग बहुत हैप्पी मूड में थे कि क्रिसमस आने वाला है, लेकिन स्क्रूज वो हैप्पी नहीं था क्रिसमस से. मैरी क्रिसमस, व्हाट रबिश ही सेड टू हिमसेल्फ. व्हाट्स क्रिसमस, वो बोलता है मैरी क्रिसमस, क्या रबिश बातें है ये. वो खुद को ही बोलता है व्हाट्स क्रिसमस, क्रिसमस क्या है. इट्स जस्ट अ टाइम टू पे बिल्स टू फाइंड यू आर अ ईयर ओल्डर एंड नॉट एन आवर रिचर. वो क्या बोलता है? वो सिर्फ एक क्रिसमस ऐसा है जिसमें हम सिर्फ बिल्स पे करते हैं, सिर्फ हमें ये दिखाता है कि हम एक साल पुराने हो गए हैं और कुछ भी हमें कमाने के लिए हमारे पास एक घंटा भी नहीं है. ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो मतलब धीरे धीरे अपने मन में ये बातें बोलता है. स्क्रूज जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल क्लोज देयर शॉप्स एंड स्टे एट होम टू सेलिब्रेट क्रिसमस व्हेन देयर वॉज नो मनी टू बी मेड. वो स्क्रूज ये बोलता था कि पता नहीं लोग क्यों अपने सारी शॉप्स बंद करके क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए अपने घर चले जाते हैं जहाँ वहाँ कुछ भी नहीं कमा सकते हैं. बिजनेस इज अ गुड अराउंड क्रिसमस एंड दिस सिली पीपल क्लोज देयर शॉप्स. वो क्या बोलता है कि क्रिसमस के टाइम पे तो बिजनेस बहुत अच्छा होता है और ये लोग दुकान बंद करके चले जाते हैं, कितने पागल है ये लोग. ही ग्रम्बल्ड एंड ग्रम्बल्ड. ग्रम्बल्ड मीन्स टू कम्प्लेन इन अ बैड टेम्पर्ड वे, मतलब कि वो कंप्लेन ही कर रहा था ये वो. सो व्हाइल अदर्स वेयर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर क्रिसमस, ओल्ड श्रूग हु स्पेंड हिज डेज गोइंग ओवर द सम ऑफ मनी दैट अदर्स ओन्ड हिम. और क्या सब जब क्रिसमस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था? अपनी मनी कैसे भराई जाए वो आइडिया निकाल रहा था. ही हैड बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर. एज यूजुअल हिज क्लर्क क्रैकेट वुड मेक अ रिक्वेस्ट टू बी लेट ऑफ अर्लियर ऑन क्रिसमस ईव. दिस स्क्रूज ग्रांटेड मोस्ट अनविलिंगली, मतलब कि उसके पास जो एक सेक्रेटरी थी उसको क्लर्क थी, मीन्स जो क्लर्क थी उसको भी वो बहुत अनविलिंगली, मीन्स कुछ इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने मतलब जैसे तैसे उसको विश कर दिया. But this Christmas for Scrooge was to be different from the others. लेकिन Scrooge के लिए ये क्रिसमस बहुत डिफरेंट थी, सबसे सबसे अलग थी, मतलब जैसी सबकी थी वैसी उसके लिए ये क्रिसमस नहीं थी. As the old money lender fell asleep that night, the spirit of Christmas visited him. An old man in ghostly white appeared before him and said, Scrooge, come with me. And I will show you your future. रात को जब श्रुक सो रहा था क्रिसमस के दिन ही, तो एक घोस्ट आया, घोस्ट मतलब भूत आया, एक भूत बन के आदमी आया और उसको बोलता है श्रुक चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तेरा फ्यूचर क्या है. श्रुक गॉट अप एंड फॉलोड द ओल्ड मैन एंड दे वेंट ऑन अ जर्नी एज इफ ट्रैवलिंग थ्रू द क्लाउड्स. श्रुक वहाँ से श्रुक गया जैसे ऐसे लग रहा था कि वो क्लाउड्स के बीच में से ही घूम रहा है. सून द मार्सी लैंड थिक विथ मिस्ट, वॉचिंग स्लोली क्रूक शुड मेक आउट मेनी पीपल, ऑल ऑफ यू मी रिकॉग्नाइज एज हैविंग बीन डेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेटेड डाउन बाई हैवी चेंज देवर क्राइंग फॉर हेल्प. वहाँ पे उसने क्या देखा कि सब मरे हुए लोग हैं वहाँ पे, जो मर गए हैं दुनिया में वो वहाँ पे सब है और वो लोग कैसे हैं, चेन में बंधे हुए हैं और रो रहे हैं हेल्प के लिए. देर यू आर श्रूक द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस बिगेन, देवर वंस लाइक यू हार्ड हेट्रेड एंड मर्सिलेस. वो क्या बोलते हैं? मर्सिलेस, सॉरी. वो बोलते हैं कि देखो ये वही लोग हैं जो तुम्हारी तरह दुनिया में ऐसे रहते थे, जो बहुत ही हार्ट हेट्रेड थे, मतलब उनके पास दिल नहीं था, मर्सीलेस थे, मतलब किसी पे वो लोग दया नहीं करते थे. दे टू एंजॉय काउंटिंग देयर मनी टू लास्ट पेनी, बट वेयर आर दे नाउ. वो क्या बोलते हैं? देखो ये वही लोग हैं जो पूरा दिन अपनी मनी काउंट करते रहते थे, लेकिन देखो अभी वो लोग कहाँ हैं.
कैन देयर मनी हेल्प देम, क्या उनकी मनी उनको अभी हेल्प करेगी। गिव शुड गिव, डेस्ट आर दे हु गिव, वो क्या बोलता है, ये दो, तुम जितना दान करोगे उतना जो तुम्हें मिलेगा, तुम जितना दान करोगे उतना तुम्हें मिलेगा और तुम्हें ब्लेस्ड होगे, तुम के जितना तुम दोगे उतना क्या उतना तुम ब्लेस्ड होगे। द ओल्ड माइजर कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट सीन, लेकिन वो बिलीव नहीं कर रहा था जो वो देख रहा था। लेट्स गो अ लिटिल फर्दर एंड परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस सेल, तो वो गोस्ट था वो क्या बोलता है, ठीक है तुम इतने में नहीं समझोगे, हम थोड़ा और आगे जाते हैं, तुम उनको देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। नॉट फार अवे दे केम टू अ ग्रेवयार्ड, वो कहाँ आए, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान के पास। देयर वेयर मैनी थॉम स्टंस देयर, वहाँ पे क्या था, बहुत सारे स्टोन्स थे, मीन्स के कब्रिस्तान थे। वन ऑफ देम वॉज अ न्यूली डग वन विथ द वर्ड्स क्रूग रिटन ऑन इट, एक तो पूरी कब्रिस्तान जो थी नई की नई थी, अभी खुदाई की थी उसकी, और उस पर क्या लिखा था, श्रुग। You are looking at your own grave, shook the spirit of Christmas, old told the old miser. वो क्या बोलता है, जो गोस्ट था, ये तुम्हारी खुद की कब्रिस्तान है, देखो। You see there are no flowers because during your lifetime you had no friends. Soon your grave will be in ruins and you will join those in mercy lines. तो वो क्या बोलता है, देखो ये तुम्हारी कब्रिस्तान है, लेकिन इस कब्रिस्तान पे तुम्हारा एक भी किसी ने फ्लावर नहीं चढ़ाया, क्योंकि तुम्हारा कोई फ्रेंड ही नहीं था, और जितना जितना टाइम आगे जाएगा तुम उन लोगों के साथ ही उस झंझीरों में बंध जाओगे। ओ नो आई बैक यू, श्रुक क्राइड, श्रुक रोके बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। He was now shaking all over. Just give me a chance, one more chance and I will repent. वो क्या बोलता है, मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका और मैं सुधर जाऊंगा। The old miser said as he shook the ghostly old man wrinkled hand, as उसका हाथ पकड़ के श्रुग उसको ऐसा बोलता है कि मुझे थोड़े मौके दो, मैं खुद ही सब अच्छा सा कर दूंगा, मैं दान करूंगा और दान करूंगा। He was still shaking the bedpost when he awoke. When he awoke, sweat pouring down his face and all over his body, it had been a most frightening dream. वो मतलब जैसे उठा तो मतलब नीचे झुका हुआ था, उसके फेस पे पसीना था और वो सबसे खतरनाक ड्रीम था। Thank God I am alive, he said again and again. वो गॉड को थैंक यू बोल रहा है कि अच्छा है मैं जिंदा हूँ। Then still remembering all that he had seen in his dream, he had once decided to do something good. He quickly got dressed and rushed out of his house. The first person he came across, he asked, my kind sir, can you have, please tell me what day it is? वो जैसे ही उठा वो जल्दी से रेडी होके बाहर निकला अपने घर से, और एक उसको आदमी मिला, उसको वो धीरे से पूछता है कि kind sir, क्या मुझे बता सकते हो कि कौन सा दिन है? Why? It's Christmas, came to reply. तो वो बोलते है क्यों, आज तो क्रिसमस है। A very merry Christmas to you sir and may God bless you. तो उनको क्या बोलता है, वेरी मेरी क्रिसमस और मे गॉड ब्लेस यू। श्रुग विश्ड द स्ट्रेंजर, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड डन दिस। श्रुग ने उसको विश किया और ये फर्स्ट टाइम था उसकी लाइफ में कि उसने किसी को वैसे विश किया हो। देन सडनली ही रिमेम्बर्ड किच द क्लर्क हु हैड बीन वर्किंग फॉर हिम फॉर मैनी ईयर्स। फिर उसको किसका ख्याल आया, क्लर्क का, जो उसके पास बहुत सालों से काम कर रही थी। आई विल बाय हिम द बिगेस्ट तुर्की इन टाउन, वो क्या बोलता है, मैं उसको इस टाउन में सबसे बड़ा घर खरीद के दूंगा। ब्लेस हिम गॉड, मिस्टर क्रिकेट द माइजर सेड एज ही मेड हिज वे टू द फूड स्टोर, ही पेड फॉर द तुर्की एंड गेव द मैन क्रिकेट ड्रेस एड्रेस। वैसे जैसे ही उसने सोचा कि मैं उसको खाना भी दूंगा, तो क्या कि एक रेस्टोरेंट में गया, उसको उस क्लर्क का एड्रेस देता है और बोलता है कि उसके पास ये सारा खाना डिलीवर करके आओ। डिलीवर द तुर्की टू हिम प्लीज, श्रुग सेड हैप्पीली। श्रुग हैप्पीली बोलता है कि ये तुर्की उसको डिलीवर आप उसके घर तक करके आना। This was the first time in his life he had ever given anyone a present. He felt very happy about it. वो उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम था जैसे उसने किसी को गिफ्ट दिया हो और वो बहुत खुश था। Cratchit was very surprised when he received the turkey. He wanted to thank his kind donor, but Shrug never left his name. तो वो बहुत खुश था क्लर्क, वो तुर्की रिसीव करके वो थैंक भी बोलना चाहता था, लेकिन वो थैंक नहीं बोल पाया क्योंकि श्रुग ने अपना नाम उस पर नहीं लिखा था, श्रुग ने उसका नाम नहीं लिखा था, इसलिए उसको पता ही नहीं था कि उसको तुर्की किसने दिया जो वो बोल सके। इंडीड द क्रिसमस दैट श्रुग हैड आफ्टर हिज फ्राइटनिंग ड्रीम वॉज द बेस्ट ही हैड एवर हैड। नाउ वी रियलाइज व्हाट अ गुड फीलिंग देयर वॉज इन लर्निंग टू गिव।
वो क्रिसमस पहला था जिसमें वो इतना हैप्पी था, जिसने जिस दिन उसने इतना दान किया, ये पहला क्रिसमस था और ये सब कुछ करके वो बहुत हैप्पी था और बोलता है कि आज मुझे पता चला कि दान करने में कितना अच्छा है और हम नया नया सीखेंगे तो हम कितना अच्छा मिलेगा और हम मुझे रियलाइज हो गया। ठीक है, इसलिए हमें इस चैप्टर में से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी कंजूस नहीं बनना चाहिए और हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो ही हमारा अच्छा होगा और तो ही हमें हेवन मिलेगा। ओके, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर एंड स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू राइट मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स दैट आई विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप इन योर पेन नोटबुक।